वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग अब देखने वाले हैं लेसन 4। 3 लेसन हमने पहले ही कंप्लीट कर चुका है और उसमें आप प्लेलिस्ट में खोल करके जा करके देखिए कि 3 लेसन में जितना भी है 1 से लेकर 3 तक पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है और विथ ट्रिकी तरीका, यानी कि शॉर्ट मेथड से भी सॉल्व हुआ है और ट्रिक से भी सॉल्व हुआ है। बहुत ही मजेदार लगेगा आपको। मैथ तो आपको थोड़ा सा भी माथा पे प्रेशर नहीं डालेगा, ये आप दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ अब हम लोग देखेंगे 4 लेसन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है? ये जो लिखा जाता है ना द्विघात, ये जो शब्द लिखे हम द्विघात, इसका मतलब होता है द्वि, मतलब होता है दो, और घात का मतलब समझ जाइएगा पावर से होता है। पावर मतलब डिग्री। क्या होता है जी? पावर मतलब डिग्री। जैसे कि x का पावर ये 2 है, तो पावर जो होता है ना किसी के जो सर के ऊपर रहता है, यहां पे देखिए, इसी को हम लोग पावर बोलते हैं। तो पावर कब होना चाहिए, यानी इसको घात भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं, डिग्री भी बोलते हैं, तीनों बात बोलते हैं। ये पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। यानी कि कहीं भी अगर आपको वेरिएबल यानी चर राशि पर, इसको चर या वेरिएबल बोलते हैं, चर राशि पर पावर 2 दिखे तो समझ जाइएगा वो क्या चीज है, द्विघात समीकरण है। बहुत बार आपको मल्टीपल चॉइस में क्लास 10th के एग्जाम में पूछता है, कई बार पूछा है, पूछता है क्या, पूछता ही है, जनरली पूछता है, क्या पूछता है कि इसमें इनमें से कौन द्विघात समीकरण है। अब क्वेश्चन कैसे दे देगा, ऐसे दे सकता है x+1 और x+2, बताइए कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो आप तो अभी हम आपको बताए कि पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ पे पावर इस पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहता है तो 1 मानते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम लोग चेक करते हैं कि द्विघात है कि नहीं। तो ये ब्रैकेट है, ये क्या है, ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट के बाहर या इस ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होता है उस नंबर या उस संख्या से दोनों में गुणा होता है। तो इसके बाहर मान लीजिए ये है, चाहे इसके बाहर ये है, कोई भी ले लीजिए, चलिए इसके बाहर ये है मानते हैं। तो ये एक्स है, एक्स में दोनों से गुणा कीजिए, तो एक्स में एक से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स में 2 से तो 2x प्लस। अब एक काम करते हैं, ये एक में अब दोनों से गुणा करते हैं, तो एक में एक से तो हो जाएगा एक्स, और एक में 2 से तो हो जाएगा 1 × 2 = 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 1x कितना है 3x, प्लस में कितना बचा 2। अब बताइए कि ये द्विघात समीकरण था कि नहीं, पावर कितना आ गया, पावर इसका 2 आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। और देखिए एक सीक्वेंस में ये सजा है, तो जिसका पावर 2 होता है उसी को हम लोग द्विघात कहते हैं। पावर 3 होगा तो त्रिघात, पावर 4 होगा तो चतुर्थ घात। इसको घात ही बोलते हैं, डिग्री ही बोलते हैं, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, डिग्री। तो अब हम लोग यहाँ 4.1 में बिना देर के देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहां अब आप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। देखिए, चेक वेदर द फ्लोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इसको चेक कीजिए, जांच कीजिए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो जांच करते हैं, द्विघात समीकरण में पावर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अभी के लिए यहां पावर क्या दिख रहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है x+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-3, पूछ रहा है, यहां पर ऐसे ब्रैकेट है, पूछ रहा है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, थोड़ा सा हमको चेक करके बताइए। तो देखिए हम लोग इसको चेक करते हैं, आपको क्या लग रहा है ये किस फॉर्मूला पर सेट है, तो a+b के द होल स्क्वायर पर सेट है। फॉर्मूला क्या होता है, a+b के द होल स्क्वायर, पहले a को का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है ना, तो पहले a को का स्क्वायर कीजिए, उसके बाद इसका भी स्क्वायर कीजिए, यानी a² + b² + ये लिखिएगा 2ix ए, फिर ये क्या लिख दीजिएगा बी। याद कैसे रहेंगे रखेंगे, तो दोनों का स्क्वायर क्या है, 2 है ना, मतलब पावर कितना है, 2 है, तो पहले एक्स का स्क्वायर करिए, फिर एक का स्क्वायर, और फिर तीनों को गुणा में लिख दीजिएगा, ठीक है, 2ab, मतलब कहीं से सजा कर लिख दीजिएगा, इज इक्वल टू, ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर रहता है उससे अंदर वाले सब में गुणा करते हैं, क्योंकि ये आगे वाला नंबर कहता है कि जितना भी अंदर है सब पर मेरा अधिकार है। तो 2 में 1 से तो हो जाएगा 2x, और 2 में 3 से तो -3 × 6, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, या फिर ऐसे ही लिखिए एक्स स्क्वायर, नॉर्मली 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 में 1 से गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, 1 वही बात हो जाएगा, यहाँ लिखिए 2x-6। एक काम करते हैं, इसको क्या आपको दिखाना है, द्विघात समीकरण है कि नहीं, यहाँ आपको क्या दिख रहा है कि ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि पावर कितना आ गया है, 2 आ गया है। इतना पर छोड़ दीजिएगा तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि सिर्फ चेक करना है, लेकिन थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीका से सजा करके लिखिएगा तो उसका मजा ही कुछ अलग है। तो सबको इधर ला दीजिए,
इधर वाला हम उतार देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, ये प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में टू एक्स, और ये माइनस में इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ये खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर छः और ये कितना हो जाएगा सात बराबर जीरो। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या बचा है क्या नहीं बचा है, बस ये पावर दो आ गया ना, लिख लीजिएगा यह क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब यहीं पे हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये वाला है, देखिए ये भी पूछा है द्विघात है कि नहीं, तो ये तो दिख रहा है द्विघात है, लेकिन आगे बनाते हैं देखते हैं कि क्या होता है। इसको सॉल्व करने के बाद ना पूछा है कि द्विघात है कि नहीं, डायरेक्ट पहले हम नहीं बोल सकते हैं। अब एक काम करते हैं, इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसको वैसे ही छोड़ दो, सॉल्व कर इसको उतार देते हैं, जब छोड़ना है तो इसको उतार दो। माइनस दो में तीन से, अभी बताएं कि ब्रैकेट के बाहर जो भी रहता है सब पर उसका अधिकार होता है। माइनस दो में तीन से तो तीन दूना छः, दो में एक से तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दो दो एक्स हो जाएगा। इधर सबको ला लीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में छः, ये हो जाएगा माइनस में टू एक्स, कुछ इधर नहीं बचा तो जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस दो कितना होता है दो गो, दो गो कितना हो जाएगा जी चार गो, लेकिन माइनस में, और प्लस में सिक्स इज इक्वल टू जीरो। हो गया द्विघात समीकरण, पावर कितना आया है दो, तो ये भी क्या है, ये भी द्विघात समीकरण है, द्विघात है लिख देते हैं हम, आप समीकरण भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में आया होगा। फिर ये बिना देर के हम लोग तीन नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीन नंबर देखिए, इसको हम इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तीन नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कुछ नहीं करना है, बस पावर दो देखिए, एकदम डायरेक्ट बोलिए उसको कि ये द्विघात है, लेकिन हर जगह नहीं, डायरेक्ट दो देखते मत मार दीजिएगा। यहाँ तीन नंबर क्वेश्चन में यही डाउट आने वाला है, देखिए यहाँ पे तीन नंबर क्वेश्चन जो ये है, x माइनस टू और x प्लस वन, यही है ठीक है, इज इक्वल टू x माइनस वन और x प्लस थ्री है। बताए थे ब्रैकेट के बाहर जो भी हो गुणा होता है, तो x में दोनों से गुणा, फिर दो में दोनों से गुणा, x में एक से तो x स्क्वायर, x में वन से तो वन एक्स, तो वन नहीं लिखा जाता है, डायरेक्ट x लिखो। माइनस टू में एक से तो माइनस टू एक्स, दो एक कम दो इज इक्वल टू, x में x से गुणा तो x स्क्वायर, x में थ्री से गुणा तो थ्री एक्स, माइनस में x और माइनस में हो जाएगा थ्री। सबको इधर लाइए ठीक है, तभी हम लोग एक जगह ला करके तब हम लोग यहाँ पे फैसला करते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। देखिए जब तक आदमी इकट्ठा नहीं हुआ कौन दोषी है कैसे पता चलेगा, ठीक है, तो सबको पहले एक जगह लाते हैं। अभी तो ये दिख रहा है कि दो वो घात है तो द्विघात है, लेकिन हम सबको पास में लाते हैं तब यहाँ पे पंचायती बढ़िया से होगा। प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ये भी हो जाएगा आपका प्लस में इज इक्वल टू जीरो। अब यहां देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस अगर आता है तो ये खत्म हो गया, ठीक है। यहां देखिए एगो एक्स और एगो एक्स, कितना एक्स हो जाएगा यहां पे दो एक्स, और माइनस में हुआ दो एक्स, जो जो बचा है एक एक्स एक दो एक्स लिखे हैं, ये दो एक्स जो बचा है हम उतार दे रहे हैं पहले, ठीक है। अब देखिए तो यहां पर, यहाँ पे क्या बचा, ये दोनों को हम साथ में ले लिए, प्लस में था तो दो एक्स हो गया, उसके बाद से हम ये लिख दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद से ये का दो लिख दिए हैं, थ्री लिख दिए हैं और ये तीन उतार दिए हैं। अब बताइए कि ये प्लस में दो माइनस में दो खत्म, तीन में से दो जाएगा, देखिए घटाते कब है, जब एक प्लस में हो एक माइनस में, तीन में से दो जाएगा कितना हो जाएगा तो आपका एक हो जाएगा, और माइनस में थ्री एक्स, इधर कुछ नहीं बचा तो जीरो। अब हमको आप बताइए बाबू, ये द्विघात समीकरण दिख रहा है किस सिंगल से, दिख रहा है कि ये द्विघात समीकरण, इसमें तो घात है ही नहीं, तो जब घात है ही नहीं तो ये द्विघात नहीं है, ठीक है। तो यहीं पे इसको डिक्लेयर कर दीजिए आप कि ये द्विघात नहीं है, ये द्विघात क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो फिर ऐसे ही सेम टू सेम ये भी क्वेश्चन होगा, इसको भी इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इधर हम बनाते हैं फोर नंबर, ठीक है, फोर नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्स माइनस थ्री और यहां पे दिया है टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव, यही है, देखते हैं द्विघात है कि नहीं। एक्स में दोनों से पहले गुणा कीजिए, पहले इसमें कीजिए उसके बाद इसमें कीजिएगा, एक्स में दो एक्स से तो दो, एगो एक्स कितना दो गो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स में वन से तो एक्स, फिर तीन में कीजिए तीन दूना छ एक्स, माइनस में तीन इज इक्वल टू एक्स में एक से कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, और ये एक्स में पाँच से तो पाँच एक्स,
इन दोनों को इधर लाइए, एक टोला में ला लीजिए। तो यहाँ पे एक क्षेत्र में लाएंगे, पहले इसको उतार तो दे हम। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में फाइव, इधर कुछ नहीं तो जीरो। ये दोनों को हम ला दिए, इतना आपको समझ में आया होगा। अब एक काम करते हैं, एक जात को हम लोग देखते हैं। एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, ये दोनों एक जात का है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो घटाएंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ कितना है, दो ठो है, तो दो गो एक्स स्क्वायर में से अगर एक गो निकाल दीजिएगा तो एक ही गो ना एक्स स्क्वायर बचेगा, तो एक नहीं लिखते हैं, एक लिखने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। अब बताइए उसके बाद से एक्स वाला देखिए, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जब एक्स है तो आप इसको डायरेक्ट अगर सॉल्व करने आता है तो ठीक है, नहीं तो इसको उतार दीजिए। छः और पाँच कितना एक्स, ग्यारह एक्स, माइनस में ग्यारह एक्स हुआ, अब प्लस में एक गो एक्स दिया है, ठीक है। तो ग्यारह में से एक जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, दस एक्स। अब कोई नंबर भी बचा है तो नंबर क्या बचा है, माइनस में तीन इज इक्वल टू जीरो। द्विघात है कि नहीं, पावर दो आया है, इसका मतलब ये क्या है, द्विघात समीकरण है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो समझ में आया होगा, तो ये चार क्वेश्चन इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और फिर हम लोग और चार क्वेश्चन देखते हैं बिना देर किए। तो अब यहाँ हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए यहाँ भी इसको भी वही काम करना है जी, चेक तो करना ही है, सेम है, पांच नंबर उसका है। जब इसको द्विघात समीकरण है कि नहीं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, इसको चेक करना है। तो क्या करिए, तो क्वेश्चन इस टाइप का बता ही चुके हैं, ये आप लोग घर से बनाइएगा, घर पर बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि ये इसका आंसर द्विघात यानी पावर दो में आ रहा है कि नहीं, बताइएगा जरूर, ठीक है। यहाँ देखिए हम लोग सिक्स नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट देखते हैं, ठीक है, ये आसान है आपके लिए है। ये एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का स्क्वायर। देखिए अगर आपको समझ में आया होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए जब तक आप घर पे मेहनत नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं, कहीं पे आप पढ़ लीजिए, आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके मैथमेटिक्स आपके पल्ले पड़ेगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता है। देखिए हम क्या कर सकते हैं, आपको कोऑपरेट कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पे बताते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो उस बेसिस पर है सेम टू सेम है उसको तो आप लोग बनाइए, घर पे पढ़ाई कीजिए, जितना बेहतर नंबर आएगा बहुत खुशी की बात है, फैमिली में सारे लोग खुश रहेंगे। अदरवाइज रिजल्ट अगर आपके गांव में ही आपसे बेहतर आ गया तो बहुत बड़ा तमाचा लगता है, ये आप अभी से ही महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो उसका इंतजार क्यों कर रहे हैं, आप महसूस करना चाहते हैं ये चीज मत सोचिए, मेहनत कीजिए आप, ठीक है। यहां देखिए एक काम करते हैं, यहां एक्स स्क्वायर वैसे ही उतार देते हैं और इसको तोड़ते हैं, किस टाइप का ये दिख रहा है, a माइनस बी के द होल स्क्वायर। तो क्या होता है, पहला वाला का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला का स्क्वायर और माइनस यहां होता है 2a और ये हो जाता है b, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। देखिए ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर जो भी लोग कहते हैं वो ठीक है, वो गलत थोड़े है, हम ऐसे इसलिए लिखते हैं ताकि लास्ट में प्लस और माइनस चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ये एक्स स्क्वायर दो का स्क्वायर हो जाएगा चार, दो दूना चार एक्स, सबको इधर लाइए, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये माइनस में है तो ये प्लस में। देखिए तो ये प्लस माइनस खत्म हो गया, 4x और 3x कितना है 7x, और 4 में से 3 जाएगा तो माइनस में 3 इज इक्वल टू जीरो। बताइए ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका पावर 2 नहीं है, इसका एक रूप होता है, जैसे एक देखे हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, इस रूप में आना चाहिए। अब बताइए ना इस रूप में कहाँ आ रहा है, पावर हमेशा क्या आना, यहाँ कोई भी नंबर हो उससे मतलब नहीं है, ये नंबर से मतलब नहीं है, हमको ये पावर क्या चाहिए, दो चाहिए। अगर इस रूप में आएगा पावर दो आएगा पहला अक्षर, तभी समझिएगा कि क्या है, द्विघात है। तो ये लिख दीजिएगा, ये भी क्या है, यह द्विघात नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बिना देर किए हम लोग देखते हैं यहाँ पे सेवन नंबर क्वेश्चन। सेवन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी गौर से देखिएगा, थोड़ा सा ये अलग है। x प्लस टू का होल क्यू इज इक्वल टू टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, यही है पूछ रहा है कि ये द्विघात है कि नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला पर सेट है, x a प्लस बी के द होल क्यू, यानी कि a प्लस बी के पावर तीन का एक फॉर्मूला होता है। पहला ये लिखिएगा, a के क्यू बी क्यू प्लस थ्री ए बी, और ये होता है a प्लस बी। अगर इसको लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी बहुत जगह आप देखे होंगे,
थ्री ए बी में ए से जब गुणा कीजिएगा तो ए गो कितना हो जाएगा, दो गो ए हो जाएगा, ए का पावर दो बी, प्लस बी में बी से गुणा कीजिएगा तो थ्री ए तो रहेगा, ये दोनों में होता है, थ्री ए बी में बी से, तो थ्री ए बी स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं आप, ऐसे भी कहीं देखने को मिलेगा, ऐसे भी मिलेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये उसी पर तोड़ते हैं, पहला ए का क्यू, तो एक्स का क्यू प्लस दो का क्यू प्लस थ्री, इस पर लगाओ या इस पर लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसी पर हम लगाते हैं, थ्री तो लिख दिए, ए का स्क्वायर करना है, अब बी लिख रहे हैं, पहला का स्क्वायर करना है, अब बी के जगह पर क्या है, दो है, फिर उसके बाद प्लस थ्री, ए है तो ए लिख दिए, अब बी का स्क्वायर यानी लास्ट वाले का स्क्वायर करना है, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किए तो ये आया। अब इसको हम लोग सॉल्व करें, दो एक्स में एक्स स्क्वायर से गुणा कीजिएगा, तो ये तो नंबर है तो दो लिख दीजिए, एक्स यहाँ ए गो यहाँ दो गो, तो कब हो जाएगा, एक्स का पावर तीन, यानी दो एक्स में एक्स स्क्वायर से, तो टू एक्स का पावर तीन, माइनस ये हो जाएगा आपका टू एक्स, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं हम एक्स का पावर क्यू प्लस दो को तीन बार लिखेंगे तो दो दूना चार और चार दूना आठ हो जाएगा, ये हो जाएगा तीन दूना छः एक्स स्क्वायर, अब प्लस ये हो जाएगा आपका दो दूना चार, चार तीन बारह एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, इन दोनों को इधर लाइए, जब हम दोनों को इधर लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स का पावर तीन, ये पहले उतार दीजिए, जो दिया है वैसे ही सही सलामत उतार दीजिए, और उसके बाद ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा यहाँ टू, यहाँ हो जाएगा आपका पावर तीन है, टू एक्स का पावर तीन आई क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा टू एक्स, इधर कुछ नहीं तो जीरो। अब यहाँ एक जात का क्या है, x का पावर तीन यहाँ भी है, x का पावर तीन यहाँ भी, मतलब ये दोनों एक जात का है, ये दोनों क्या है, एक जात का है, तो दो x का पावर तीन, यहाँ x का पावर तीन कितना है, दो ठो है माइनस में, और यहाँ है एक ठो, तो दो में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स क्यू, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि बड़ा वाला माइनस में है, उसके बाद से यहाँ एक्स स्क्वायर है तो प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद से क्या है तो प्लस में है यहाँ पे टू एक्स, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे बारह है, यहाँ पे 12x है, थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया था, 12x है, उसके बाद ये प्लस में, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा 14x, ठीक है, उसके बाद से कुछ नंबर भी बच गया है, प्लस में 8 इज इक्वल टू जीरो। अब बताइए ना, इसमें तो दिया है, क्या दिया है, पावर 2 दिया है, लेकिन उसके पहले क्या दिया है, पावर 3, जबकि रूल यही है कि पहले इस रूप में ही होना चाहिए, ठीक है, बी एक्स प्लस सी, यानी पहले बार में ही पावर क्या होना चाहिए, दो होना चाहिए, तभी ये द्विघात समीकरण है, अदरवाइज ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए क्या है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, तो समझ में आया होगा। तो ये आपका कितना नंबर क्वेश्चन है, सिक्स नंबर, ये सेवन नंबर आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग बिना देर किए देखते हैं एट नंबर क्वेश्चन, अब यहाँ हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका वन का ये लास्ट है, एट नंबर क्वेश्चन, ये चेक करते हैं कि द्विघात है कि नहीं है, क्या करेंगे, देन एंड देयर, सबसे पहले इसको बिना देर किए ये उतार दो, x प्लस में वन, ये देखिए तो किसी फॉर्मूला पर सेट है, फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी के द होल की, यानी a माइनस बी का पावर तीन क्या होता है, तो देखिए a माइनस बी का पावर तीन होता है, पहला वाला का q, यानी कि पहला हिस्सा चला जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी और इंटू ए माइनस बी, ये ऐसे फार्मूला होता है। अगर इसको आप तोड़ के लिखना चाहते हैं तो होता है ए क्यू, तोड़ के नहीं जोड़ के बोलो इसको, ठीक है, ये माइनस थ्री ए स्क्वायर बी और ये प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ये प्लस हो जाता है, लास्ट में प्लस क्यों हो जाता है, क्योंकि माइनस और ये प्लस, ये तो माइनस होगा लेकिन माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है, और थ्री ए बी में आप बी से गुणा कीजिएगा तो थ्री ए तो लिख दीजिएगा लेकिन बी दो ठो हो जाएगा, ठीक है। अब ये तोड़िए, पहला का क्यू यानी एक्स का क्यू माइनस फिर दो का क्यू फिर माइनस थ्री, अब क्या लिखिएगा ए स्क्वायर बी, यानी कि पहला वाला का स्क्वायर, अब बी के जगह पर क्या है, बी है मतलब दो है, और यहाँ पे प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ये इधर मिटा दें हम, थ्री ए बी स्क्वायर, ए के जगह पर थ्री और बी के जगह पर दो का स्क्वायर, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा, ये एज इट इज हम उतार देते हैं वैसे ही। अब जब हम ऐसे उतार दिए तो ये लिखते हैं x का पावर तीन, दो का क्यू होता है आठ माइनस ये तीन दूना छः एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस तीन दूना छः यहाँ पे देखिए थ्री एक्स होगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा थ्री ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा तीन दो दूना चार और चार तीन कितना हो जाएगा बारह आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा बारह एक्स, ठीक है। अब हम काम करते हैं, सबको हम क्या लाते हैं, इधर लाते हैं,
तो ये हो जाएगा x का पावर 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, ये वैसे ही हम उतार दिए, ये माइनस में x का पावर 3 प्लस में 8 प्लस में 6x, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस में 12x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा इतना। अब एक काम कर दीजिए, देखिए तो प्लस में और माइनस में ये खत्म हो गया, ये दोनों यहाँ देखिए 6x स्क्वायर प्लस में और यहाँ पे 4 गो एक्स स्क्वायर है, तो 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस में होगा क्योंकि बड़ा वाला किस में है, प्लस लिखना है लिखिए, छोड़ देना है छोड़ दीजिए, ये माइनस में 12x और 1x कितना हो जाएगा प्लस माइनस में 13x और ये 8 और ये कितना हो जाएगा प्लस में 9 इज इक्वल टू आपका 0। अब बताइए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो पावर x का कितना है 2, इसीलिए ये क्या है, यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये टोटल क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो हम फिर अब अगले क्वेश्चन 2 नंबर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।